हाँ जी, क्या नाम है, क्या परेशानी हो रही है आपको? सर परेशानी ये है कि हमारे पिताजी यहाँ पर एडमिट हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ही फैसिलिटी है कि यहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल है, एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर की हम दिल से तारीफ करेंगे, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं है, कोई वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। हमने हर जगह पता कर लिया, हमें कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, डॉक्टर भी एक जगह पर आके हाथ जोड़ देते हैं। कल यहाँ पर एक 23 वर्ष के युवक की मृत्यु हुई है, सिर्फ 23 वर्ष का वो युवक था, क्योंकि उसके लिए ना तो वेंटिलेटर था, ना ही उसके लिए हमारे पास कुछ और था, और उसको देख के तो डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मतलब सरकार या तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए इस महामारी को फैलने से रोकना है, नहीं तो जो हाल यहाँ पे होने वाला है इस लाशों पे गिनने के बाद, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ अपने यही गिनेगी कि हमारी सरकार कहाँ पर है, हमारी सरकार कहाँ पर नहीं है, लाशों के ढेर लगेंगे। हमने देखा जो तीमारदार है खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के लगा रहे हैं। सर सिलेंडर लेके हम लेके जाते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी ही नहीं है, यहाँ पर कोई वेंटिलेटर ही नहीं है। आप मान सकते हो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होने के बावजूद इतनी स्पेस खाली है लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। आज हम किस पोजीशन में हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, दुनिया को हम वैक्सीन दे रहे हैं लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। कोई क्वेश्चन किससे, कौन जवाब दे किसकी है, लेकिन मंत्रियों के डेली ट्वीट आते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनको बोलो है क्या चीज़ तुम्हारे पास, ये तो स्टाफ है ना सर, स्टाफ है ना, बात नहीं मानता, बार बार कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए, वो किसी पे टाल देता, वो करेंगे, मैडम से कहते हैं, मैडम कहेंगे वो लड़का करेगा, लड़का से कहते हैं वो मैडम करेगा, सारे काम खुद ही करने हैं। कोरोना पेशेंट के साथ में खुद रहना पड़ता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खुद की होनी चाहिए यहाँ पर देखने के लिए। दवाई के लिए भी बार बार कहना पड़ता है, जब जाकर कोई सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आते। अभी वहाँ पर साफ सफाई कोई नहीं हुई सर, सुबह से अभी तक कमरे में एक बार साफ सफाई नहीं हुई, बस इस बरामदे में हुई है, अंदर पेशेंट है उसमें अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई है। ठीक है, एक डेडी बॉडी भी उठ के गई है वहाँ से आधा घंटा पहले, अभी तक वहाँ पे बेडशीट वगैरह है कोई साफ नहीं हुआ, ना कोई सैनिटाइजेशन काम हुआ है, पूरी अनरिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे आते से पूरे कोई देखने तक नहीं आता। आते जब परेशानी वो ये थी कि अब पहले स्टार्टिंग में तो किया था इन्होंने थोड़ा बहुत काम, उसके बाद तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया है। अब कोई बोलता है तो भैया यार हमारा तो खुद ही सांस फूल रहा है, हम तो ये यार हम खुद बीमार हो जाएंगे, ये वो है। पहले एक कोविड मरीज है, इलाज कौन कर रहा है उनका? इलाज तो खुद ही मोस्टली तो हम ही कर रहे हैं, डॉक्टर आते हैं भी इसमें। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? सारी चीज़ें करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर वगैरह खींच रहे हैं, यहाँ से चेंज कर रहे हैं, उनको खुद ही लगा रहे हैं, अभी लगा के भी आए हैं खुद ही सिलेंडर में, खुद ही खींच रहा है। और ठीक आप बोलो।